बाबू जी हैं, कैसा लग रहा है बाबू जी? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पुरानी यादें हम आज ताजा हुई हैं। ये सब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे, ये सब टोकरियाँ जो है उत्सव में मतलब बिकती थी, तमाम लोग लाते थे, अपने घरों में सजाते थे और उत्सव में इसका इस्तेमाल होता था। वह आज पुनः एक बार फिर से देखने को मिला है। पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हुई हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसा काम होना चाहिए। निश्चित रूप से यह मार्केट में भी आना चाहिए और मार्केट में आएगा तो लोग चाव से इसको खरीदेंगे। शादी विवाह में तो ये अलग डिमांड होता ही है इसका। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। वैदिक ऋषियों ने ऐसे ही बच्चियों को कहा था कि शिल्पियों के हाथ निरंतर पवित्र होते हैं। तो यानी कलाकारों के हाथ वो ऋचाओं में है कि कारुरहम हस्तो नित पवित्र। तो कारुरहम यानी शिल्पियों के हाथ निरंतर पवित्र होते हैं। तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में और इसे किसी चमत्कार से कम नहीं देखा जाता। इस पेशा को, इस शिल्प को विदलकारी करते थे और इसे स्त्रियां या लड़कियां बनाती और स्त्रियों का वैदिक काल में बहुत ही और ये बनाता। इतना बड़ा काम है ये शिल्प और विश्व इस तरह के काम करने वालों के काम को देव शिल्प तुल्य माना। अपनी परंपरा से, अपनी पारंपरिक समझ से पीछे हटता जा रहा है। इसीलिए आज हम प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की टोकरी, प्लास्टिक का फैलाव और एक बात और है, इसको करते हुए आपके अंदर एक सृजनात्मकता का विकास होता है, एक क्रिएटिविटी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है आप में। तो हमारे पुराने लोग बड़े ही पॉजिटिव थे, बड़े ही क्रिएटिव थे। उनके पास मोबाइल नहीं था, पहले क्या था, ये हमारे लिए साधन है, लेकिन अब क्या है, लोग इतना बुरी तरह इसमें लग गए हैं कि ये आर्ट गायब होता जा रहा है। मशीनों ने इसकी जगह इसने ले ली है। मेरा कहना था कि आप लोग भी छोटा छोटा शुरुआत करिए, जब आपको सामग्री उपलब्ध हो जा रही है तो। और जरूरी नहीं है कि सारा काम छोड़ करके पांच दिन में, चार दिन में सारा काम छोड़े हुए इसी के पीछे लग गए। आपके पास जब टाइम मिले तब आप इस पे काम करिए। चीजें हमको, हमसे छूटती जा रही हैं। एक बार इंटेक ने शुरुआत किया है कि लोक कलाओं का कैसे संरक्षण किया जाए, इसमें हम आपकी मदद ले रहे हैं। खाली लोक कलाओं का ही संरक्षण नहीं है, आपके व्यक्तित्व का विकास है और इस देश का विकास है। इस देश को मजबूती पारंपरिक ढंग से देना है हमें। मशीनों को उतना ही अपने जीवन में उतारें जितना आवश्यक है। तो आप लोग एक एक छोटा छोटा शुरुआत, हर बच्चा शुरुआत करे और देखेगा हफ्ता, दस दिन, पंद्रह दिन में कैसे आकार लेता है। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे होए और पानी डाले सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो आपका मेहनत जो है धीरे धीरे आकार लेगी। इस वर्कशॉप में आगे कैसा लगा आपको? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंशिका चौधरी है, मैं दयानंद कन्या इंटर कॉलेज से हूँ और यहाँ पर आई हूँ। बहुत से अच्छे अच्छे चीज देखने को मिले हैं और सीखने के लिए मिले हैं। कॉलेज का नाम एमपी गर्ल्स इंटर कॉलेज। मेरा नाम तुलसी यादव एंड मेरा नाम अंजलि यादव है। एमपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ते मुझे ये सब बनाना बहुत अच्छा लगा और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला यहाँ पे। मेरा नाम माल्या दुबे है। जैसे सर ने बताया कि हमारे पुराने क्लेचर्स अभी देखिए न्यू हो रहे हैं, इतने सारे सब आर्टिस्ट बन रहे हैं, लेकिन जो पुरानी संस्कृति है उसे हम जाने। सर शारीरिक और मानसिक, अब क्या हो रहा है, शारीरिक कर रहे हैं, पहले क्या था मानसिक मतलब शरीर से हो रहा था, हाथ पैरों से हो रहा, अब क्या है, हर सब क्रिएटर दिमाग से हो रहा है। तो उसमें फर्क है हाथ से होना और दिमाग से होना। इसमें क्या है कि दिमाग से भी हो रहा है और हाथ से भी हो रहा है, शारीरिक और मानसिक दोनों हो रहा है। मानसिक कैसे हो रहा है कि आप कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे टिप करेंगे, बाहर आएगा।
शारीरिक कैसा हो रहा है, इसे पकड़ कैसे करना पड़ रहा है। तो सर ने बहुत अच्छा किया कि हम लोग को अपनी संस्कृति बता के, और मैं गुजारिश करूंगी हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए। हम बताइए कहाँ से हैं आप? जलेसरी, जलेसरी देवी। आज ये पुरस्कार मिला, कैसा लगा आपको? हम लोग को बहुत अच्छा लगा, अब ऐसे ही सही गाड़ी बढ़ेगी, हम लोग सब काम के सब पे ध्यान देगी। हम लोगों ने डहिया बनाया, अभी हाफ हाफ ही कम्प्लीट हुआ है, पूरा नहीं हो पाया, टाइम इतना नहीं था, और हम लोगों को बहुत इंजॉय मिला इसका, इसको करने में, और यही हम लोग ने हाफ बनाया। कैसा लगा ये बनाते? बहुत अच्छा लगा, लगा। आगे मिलेगा तो और बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या बनाया आप लोगों ने? इसमें कौन सा मटेरियल का यूज किया? कॉलेज का नाम बताइए। प्रताप नारायण जय संता इंटर कॉलेज। इसके पहले भी बनाया था? इसके पहले नहीं बनाया था। कैसा लगा बच्चों का परफॉर्मेंस? बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं प्रताप नारायण जनता इंटर कॉलेज बरही से आई हूँ, और ये बच्चों ने बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है, और इसको आगे भी हम लोग प्रमोट करेंगे कि बच्चे अच्छा बनाए। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत यूजफुल भी है, और बहुत खूबसूरत है। क्रिएटिविटी तो पूरी एकदम समझ में आ रही है, बहुत सफाई भी है काम में, बहुत बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे जैसे विलुप्त होता जा रहा है प्लास्टिक का? नहीं, प्लास्टिक तो खैर कभी भी नहीं हमको पसंद था, हमें तो वैसे भी हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, ये काम तो बहुत ही बढ़िया है, इसको बढ़ाना चाहिए।